आप सभी का स्वागत है इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 15 अप्रैल 2022 के सभी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज इंग्लिश अधिकारी को फॉलो करके आप डेली करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप डाउनलोड करके जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है आप अलग अलग अवेलेबल कोर्सेज जो एमपीपीएससी में इंग्लिश मीडियम में प्री प्लस मेंस में हमारे पास है अवेलेबल वो एक्सेस कर सकते हैं। चल तो हम लोग सीधे आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो 14 अप्रैल का सबसे पहला क्वेश्चन कल हमने देखा था कि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नर मंगू भाई पटेल साहब ने कौन से पॉलिटिशियन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। हमने देखा 25 पर्सनैलिटीज को दिया गया है और 25 में से कई पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है उनमें से शिवराज सिंह चौहान साहब को दिया गया। और मैंने आपको ये पूरा कल डिटेलिंग में हमने देख लिया था और भी बहुत सारे लोगों के नाम हमने देखे थे जो महत्वपूर्ण है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एमपी हैज बीन गिवन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड। तो हमारी कल बात हो गई थी कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए देश में ऐसा पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट मीटर, और उसको बनाने के लिए वेस्ट जोन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मध्य प्रदेश की उसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। स्कॉच अवार्ड 2003 में एस्टेब्लिश हुए थे। आज भी हमको एक स्कॉच अवार्ड पढ़ना है तो वहां पर भी ये बात रिपीट होगी कि स्कॉच अवार्ड कौन से ईयर एस्टेब्लिश हुए, 2003 से, है ना। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कीम, कोई भी इंडिविजुअल, कोई, तो तब उनको दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, तियोथर माइक्रो इरिगेशन स्कीम अप्रूव की गई एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, कहां, तो रीवा में अप्रूव की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स में एंट्री दी है। तो डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में टीकमगढ़ को एंट्री मिली है। इसका ये मतलब है कि टीकमगढ़ में भी अब कुछ समय में हम देखेंगे कि डायमंड माइनिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमें मालूम है, हमने कल पढ़ा कि सर्वे कंडक्ट किया जाएगा कि कहां कहां पर एग्जैक्टली डायमंड अवेलेबल है, वो भी कितना क्वांटिटी में। फिर हमारा क्वेश्चन था फेमस जहांगीर महल कहां पर सिचुएटेड है, तो ओरछा में सिचुएटेड है और वीर सिंह देव ने इसको बनवाया जब जहांगीर विजिट किए ओरछा पहली बार, और जहांगीर और वीर सिंह देव की दोस्ती गहरी थी जो हमने कल डिस्कस भी की बहुत सारी बातें। तो तब क्योंकि जहांगीर आए ओरछा तो अपने दोस्त ने, इनके जो वीर सिंह देव हैं दोस्त हैं इनके, तो इनने उनके लिए बनवाया ये जहांगीर महल। इसके अलावा ओरछा किसने एस्टैब्लिश किया, रुद्र प्रताप साहब ने एस्टैब्लिश किया। अप्रैल 15 के करंट अफेयर देखते हैं, आज का करंट अफेयर देखते हैं, हु वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट हॉर्स राइडिंग हेल्ड इन स्पेन रिसेंटली। अगर आप रोज डेली करंट अफेयर्स से जुड़े हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होना था। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एक हमारी मध्य प्रदेश की प्लेयर है सुदीप्ति हजेला जो कि एशियन गेम्स में इक्वेस्ट्रियन यानी हॉर्स राइडिंग इवेंट में क्वालिफाई कर गई हैं। मैंने आपको बताया था इनको कुछ समय पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है, इनको मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया है और अब इनने स्पेन में भी एक प्रतियोगिता जीत ली है। तो देख रहे हो कितना सारा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है, एकलव्य अवार्ड भी मिल चुका है, स्पेन में भी इवेंट भी जीत लिया है और आगे चल के सितंबर महीने में इसी साल जब एशियन गेम्स चाइना में आयोजित होंगे तो वहां पर भी हिस्सा लेंगी। तो सुदीप्ति हजेला इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ये है सुदीप्ति हजेला। तो हु वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट हॉर्स राइडिंग हेल्ड इन स्पेन रिसेंटली, मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं। आपको मालूम है इनने 40 लाख रुपए का एक घोड़ा खरीदा था क्योंकि इसमें घोड़े की और व्यक्ति की ट्यूनिंग बहुत जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत कोई घोड़ा ले रहे हो और भाई किसी पे भी आपने राइडिंग कर दी, नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो घोड़ा, आपको जानकारी होनी चाहिए वो कैसा है, उसका नेचर क्या है। जैसे इंसान होता है तो भाई घोड़े का भी मूड है, आपको पूरी चीज उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। तो इनने 40 लाख रुपए का एक घोड़ा खरीदा लेकिन इवेंट से कुछ दिन पहले उसको चोट लग गई। अब आप सोचो कितना बड़ा धक्का है, इवेंट से कुछ दिन पहले उसको चोट लग गई, पूरी प्रिपरेशन जिस घोड़े के साथ की उसको चोट लग गई। अब इनने क्या किया भाई, अमूमन जीवन में हमारे साथ कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसी घटना होती है जो हमारे साथ होती है तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और फिर वही चीज को कई लोग बहाना बना के भाई अपना जो मकसद होता है उसको छोड़ देते हैं, अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि देखो मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, फिर पूरी दुनिया को जीवन भर बताते रहते हैं, अरे वो तो मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन ये वो ऐसा ऐसा हो गया था। भाई दुनिया मजाक उड़ाएगी पीठ पीछे, किसी को कोई मतलब नहीं है, मेहनत पूरी व्यर्थ हो जाती है अगर सफल ना हो पाए व्यक्ति, किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी मेहनत से, सबको देखना है सफलता।
ठीक है। और इनने क्या किया, इनसे हमको इंस्पायर होना चाहिए। ये गई फ्रांस जहां पे इनको ट्रेनिंग, जहां पे इनके कोच थे, इवेंट तो स्पेन का है लेकिन फ्रांस में इनके कोच थे। अब घोड़ा इनका भाई चोट लग गई, वहां पर इनने 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पर एक घोड़ा लिया और वहां पर इन्होंने जो काम वाम करना शुरू किया, क्योंकि पैसे चाहिए तो काम करना शुरू किया, बर्तन मांजे, लेकिन अपना जो मकसद है उससे पीछे नहीं हटी। तो मैं भी बस आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमको ऐसे लोगों से इंस्पायर होना है कि हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो जाए ना, हमको दूसरे का जीवन बड़ा अच्छा लगता है, हमको लगता है देखो उसके साथ ही नहीं हुआ इसलिए वो ऐसा ऐसा पहुंच गया। अरे भैया सबके जीवन में अलग अलग संघर्ष होता है, किसी को दूसरे के जीवन के संघर्ष के बारे में नहीं पता चलता बाहर से, है कि नहीं। तो बस सिंपल सी बात है, हमको ऐसे लोगों से इंस्पायर होना है कि जीवन में जो कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको अपनी मंजिल पे बिल्कुल ऐसा ही अडिग रहना है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है तो मैं करूंगा। ठीक है, घोड़ा मेरा जो खुद का घोड़ा था 40 लाख का खराब हो गया, 2.5 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से घोड़ा लेना है, लेकिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बर्तन मांजेंगे, लेकिन हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे। सुदीप्ति हजेला स्पेन में मेडल जीता है। सुदीप्ति हजेला मात्र 19 साल की उम्र है, फ्रॉम इंदौर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहां से है सुदीप्ति हजेला, इंदौर से है। सिल्वर मेडल जीता रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दी फ्री स्टाइल ड्रेसेज इवेंट। तो ये जो हॉर्स राइडिंग के अंदर अलग अलग इवेंट होते हैं उसमें ये इवेंट का नाम है ड्रेसेज इवेंट, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। इन दी इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट हेल्ड इन जेरेज स्पेन, शी इज दी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू डू सो। तो पहली ऐसी व्यक्ति है ओवरऑल मैन वुमेन सब में जिन्होंने ऐसा कुछ इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता हो। और ये मैंने लिख दिया 2.5 लाख रुपए का, देखो उन्होंने घोड़ा किराए पर लिया था। ये एशियन गेम्स 2022 जो चाइना में होंगे गुआंगजो सिटी में, उसमें क्वालिफाई भी कर गई, ये बात मैंने कुछ पहले बताई थी। तो जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स से जुड़े उनके लिए तो बड़ी आसान होगी ये चीज, है ना। नेक्स्ट, सुदीप्ति वाज प्रेजेंटेड द पीएम्स राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार इन द ईयर 2020। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 में मिला, ये बात मैंने तब भी बताई थी आपको, इमेज भी दिखाई थी मोदी साहब की और इनकी। इन द ईयर 2017 द एमपी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड हर एकलव्य अवार्ड। इनको एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एकलव्य अवार्ड अगर आपको याद हो तो एकलव्य अवार्ड पर मैं कई बार, कई सारे डेली करंट अफेयर्स में कई बार डिस्कशन करवा चुका हूं कि एकलव्य अवार्ड 1994 में इंस्टीट्यूट हुआ था, 1994 से देना इसको शुरू किया था। इसमें 1 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है, 1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। ये 19 साल से कम के लोगों को अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड 19 साल से कम के लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है, 1 लाख रुपए मिलता है। 1994 से एस्टेब्लिश हुआ और मध्य प्रदेश सरकार ने इनको यह अवार्ड 2017 में दिया था, सुदीप्ति हजेला जी को, ठीक है। चलो, इसके अलावा यहां पर एक नाम लिखा है प्रणय खरे। क्या लिखा है? प्रणय खरे यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव विक्रम अवार्ड 19 ईयर से ज्यादा के एज के खिलाड़ियों को दिया जाता है। जैसे ही 19 से कम के लिए दिया जाता है, वो 19 से ज्यादा के लिए दिया जाता है विक्रम अवार्ड, ठीक है। और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश का हाइएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है और आज तक सबसे कम उम्र के किसी व्यक्ति को विक्रम अवार्ड मिला हो तो वो प्रणय खरे हैं। तो यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव विक्रम अवार्ड कौन है? यहां पे लिख देते हैं यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव विक्रम अवार्ड कौन है, तो प्रणय खरे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कई कई बार बहुत सारी चीजें पीडीएफ में लिखी नहीं होती हैं लेकिन टीचर को बताते बताते याद आती, तो क्या कर सकते भाई। तो इसलिए डेली करंट अफेयर वीडियो में आना चाहिए। नेक्स्ट चीज पर हम लोग आ जाते हैं। आओ भाई, विच इंस्टीट्यूशन वॉज रिसेंटली अवार्डेड द कंट्रीज प्रेस्टीजियस स्कॉच अवार्ड 2022 फॉर कमिंग फर्स्ट इन द सिल्वर कैटेगरी। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवीजन में देखा कि वेस्ट जोन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए मिल गया था स्कॉच अवार्ड, सही है। अब ये क्वेश्चन दूसरा है, स्कॉच अवार्ड तो वही है, 2003 में स्थापित हुए थे, वही स्कॉच अवार्ड है, क्यों दिए जाते हैं? इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन स्कीम्स को दिए जाते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एफर्ट डालते हैं, है ना, उनको दिया जाता है, जिनने देश की तरक्की में जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें कुछ बढ़ावे के लिए कुछ काम किया, अपने काम से ज्यादा काम किया है, तो उनको दिया जाता है। और हमने बोला कि इन ऑप्शंस में से किसको दिया गया है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भोपाल या वन महाविद्यालय बालाघाट। तो ध्यान से सुनना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन को दिया गया है। ये है कुंवर विजय शाह। ये कौन है? कुंवर विजय शाह, ये वन मंत्री यानी फॉरेस्ट मिनिस्टर है। तो ये फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ MP है, फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ MP, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है कुंवर विजय शाह। क्या नाम है? विजय शाह।
ठीक है विजय शाह। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन को ये अवार्ड मिला, तो ये उनके अधिकारी हैं और इन अधिकारियों ने फिर मिनिस्टर को जो वन मंत्री हैं उनको ये अवार्ड दिया कि देखो दिखाने के लिए देखो हम लोग काम करते हैं, देखो हम लोग काम करते हैं, हमको अवार्ड मिला भाई, वरना मंत्री की नजर में कैसे आओगे कि हाँ तुम लोग काम करते हो। तो ये है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन के लोग और ये है सम्मान जो इनको मिला, वो आगे उनको दिखा रहे हैं। चलो भाई अब इधर ध्यान देंगे, पूरी कहानी इनके बारे में पढ़ेंगे। स्कॉच अवार्ड क्या है? स्कॉच अवार्ड्स आर गिवन every year to organizations that have put extraordinary efforts in their respective works. This award has been given to Minor Forest Cooperative Federation. क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने जड़ी बूटियों की नॉलेज को, जो लोगों में फियर रहता है जड़ी बूटियों के प्रति, पता नहीं कैसा रिएक्शन कर जाए, पता नहीं काम करेगी भी कि नहीं करेगी, तो इन्होंने पब्लिक अवेयरनेस मैसिव कैंपेन चलाए जिसकी वजह से लोगों के मन में जड़ी बूटियों के प्रति, हर्बल प्रोडक्ट्स के प्रति जो डर था या जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सॉल्व हुए हैं और उससे जो ये प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री बहुत इंक्रीज हुई और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, हर्बल प्रोडक्ट हो गए, तो इनकी बिक्री बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि इसी वजह से इनको, हर्बल प्रोडक्ट्स की वजह से ही जो इनने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया इसकी वजह से इनको दिया गया है स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट, स्कॉच अवार्ड दूसरी संस्था को भी दिया गया। देखो स्कॉच अवार्ड अभी दो संस्था को दिया गया, एक बार हमने ये पढ़ लिया, अब एक और संस्था है उसका नाम है MFP पार्क, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पार्क, उसको भी ये अवार्ड दिया गया है, उसको भी स्कॉच अवार्ड दिया गया। क्यों? रूरल लाइवलीहुड को सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो रूरल लाइवलीहुड यानी जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जो लोग उनकी इनकम्स को परमानेंट बनाने के लिए। तो अगेन यहां पर जड़ी बूटियों की जो नॉलेज होती है, जड़ी बूटियों की जो अक्सर नॉलेज होती है वो हम देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज में, रूरल एरियाज में काफी होती है लोगों को। तो हमने देखा कि वहां के एरियाज में इनने रूरल लाइवलीहुड को सस्टेनेबल बनाया, उन लोगों को भी अब इनकम मिल रही है क्योंकि प्रोडक्ट आगे बिक रहे हैं। तो इन दोनों संस्थाओं को इनके काम के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है, स्कॉच अवार्ड 2022 दिया गया। किस किस को? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पार्क, ये दोनों भोपाल में स्थित हैं। चलें, स्कॉच अवार्ड 2003 से शुरू किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है मध्य प्रदेश की जिसको पीएम नरेंद्र मोदी साहब दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड नेशनल पंचायती राज डे पर देने वाले हैं? नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम अवार्ड पर भी आएंगे। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। कब किया जाता है? 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन बोलता है पीएम साहब ये अवार्ड देंगे किस किस डिस्ट्रिक्ट पंचायत को देंगे, जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल या बोध बीएनसी यानी नरसिंहपुर और भोपाल? तो इसका जवाब है बोध बीएनसी। ठीक है, तो नरसिंहपुर और भोपाल जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत दोनों को यह अवार्ड दिया जाएगा। आप जानकर हैरान रह जाओगे, खास तौर पे स्पेसिफिकली भोपाल डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है और इसकी बहुत प्रशंसा ना सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर बल्कि देश में भी हो रही है क्योंकि इसने कुछ कुछ ऐसे मॉडल शुरू किए हैं जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो यहां पर मैं पढ़ता हूं फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल कॉन्फर दी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड टू भोपाल एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ एमपी। अच्छा, कहां पर यह अवार्ड दिया जाएगा? तो एट डिस्ट्रिक्ट पंचायत पाली इन संबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में ये अवार्ड नरेंद्र मोदी साहब देंगे। कहां पर देंगे? जम्मू और कश्मीर में ये अवार्ड देंगे। कौन से दिन देंगे? 24 अप्रैल। क्यों? क्या है? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे है और जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब पूरे देश भर की जो भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत जिनको सम्मानित करना है यहीं पर सम्मान देंगे। कितना रुपए मिलने वाला है? 50 लाख रुपए मिलने वाला है दोनों डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, भोपाल और नरसिंहपुर को। बोध दी जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव डन एक्सीलेंट वर्क इन दी फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, भोपाल डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज गॉट दी फर्स्ट प्लेस इन दी लिस्ट बाय डूइंग दी बेस्ट वर्क इन दी स्टेट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी तो मैंने क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया कि किनको ये दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया जाएगा, तो हमने बोला ठीक है भोपाल और नरसिंहपुर, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि कौन फर्स्ट आया है एमपी में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पंचायत फर्स्ट आई एमपी में, तो भोपाल चुनना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं भोपाल डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने क्लीनलीनेस में, क्लीनलीनेस की इसकी बहुत तारीफ हुई कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत को क्लीन रखने में बहुत अच्छा काम किया। 100% वैक्सीनेशन है ना, 100% वैक्सीनेशन इसकी भी तारीफ की गई। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि दीदी कैफे, दीदी कैफे जो बच्चे डेली करंट अफेयर अटेंड करते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले आपको दीदी कैफे बताया था। दीदी कैफे ये होता है कि जो गवर्नमेंट
टीम्स हैं वो पूरे के पूरे महिलाएं संचालित करती हैं, खाना बनाने से लेकर है ना, जो काउंटर पर बैठेंगे, जो अकाउंटेंट होंगे, साफ सफाई कर्मचारी होंगे, सब महिलाएं होंगे। दीदी कैफे, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, इसकी भी पूरे देश में बहुत तारीफ हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्रीज ने इसको पूरे देश में और भी जगहों पर शुरू करने का सोचा है, आप सोचो। तो इसके लिए तारीफ की गई है। साथ साथ माँ की बगिया प्रोजेक्ट की तो बहुत भयंकर तारीफ हुई है, ये भी डिस्ट्रिक्ट भोपाल पंचायत ने शुरू किया, भोपाल डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने शुरू किया। माँ की बगिया में क्या होता है कि जो मिड डे मील्स स्कूल होते हैं ना, अभी तक क्या होता था, मिड डे मील्स स्कूल में जब खाना बनाया जाता था बच्चों के लिए, तो क्या होता था कि खाना रोज दिया जाता था उनको कि हाँ भाई ये लो सब्जियां, मतलब आपका राशन भरवा देते थे रोज, नहीं तो जो उनका भी टाइम होता था कि भाई ठीक है महीने का भरवा दिया, हफ्ते का भरवा दिया, लेकिन बाहर से आता था। अब माँ की बगिया में क्या किया गया, बिल्कुल एक इनोवेशन है इसमें, जो मिड डे मील वाले जो स्कूल्स हैं वहां पर खुद ही एक बगिया क्रिएट की जाएगी स्कूल के अंदर, यानी स्कूल गार्डन क्रिएट किए जाएंगे। क्या बात करो सर, स्कूल में ही सब्जियां उगेंगी। हाँ, स्कूल में ही सब्जियां उगेंगी। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, अरे इसका बहुत जबरदस्त फायदा है। ऐसे तो क्या होता था, बच्चों को एक फिक्स्ड मेन्यू मिलता था, भाई जो वहां से आ रहा है राशन उसका ही खाना बनता था, लेकिन अब बच्चों को एक फिक्स्ड मेन्यू के अलावा यहां पर क्या क्या उगाया जा रहा है, बैंगन, गोभी, टमाटर, धनिया, नींबू उगा रहे। नींबू सोचो कितना महंगा अमीरों का प्रोडक्ट हो गया, नींबू उगा रहे माँ की बगिया में, और जिससे कि बच्चों को अब दाल के साथ रोज अलग अलग चेंज सब्जियां भी मिलती हैं, यहां से भी बनाई जाती, बिल्कुल प्योर फ्रेश फूड मिलता है। अब आप सोचो तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है माँ की बगिया। ये भोपाल देखो, जिला भोपाल का ये इमेज भी है। तो कहने का मतलब तमाम इन चीजों की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत भोपाल में हुई, क्लीनलीनेस, वैक्सीनेशन, दीदी कैफे, माँ की बगिया प्रोजेक्ट, इसकी वजह से भोपाल को मिला है नंबर वन स्पॉट मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, और अभी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में इसको प्रधानमंत्री साहब सम्मानित करेंगे। इसके अलावा नरसिंहपुर का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनमें से किन पर्सनैलिटीज को दिया? जो बच्चे डेली करंट अफेयर में आते हैं, ये कुछ दिन पहले टीकम जोशी नाम के व्यक्ति को मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा का हेड बनाया गया था। मैंने आपको तब भी बताया था टीकम जोशी, मैंने बताया था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कुछ समय पहले इनकी एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी ग्रहण, है ना। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएटेड हैं, और कुछ समय पहले 30 मार्च को इनको बनाया गया था मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा का हेड। अब इन्हीं व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड से सम्मानित किया है। आप सोचो, फिर से नाम रिपीट हुआ, है ना। तो देखो, डेली आओगे तो आपको कम से कम यह है कि एक चीज तो इनके बारे में मालूम चल गई थी पहले कि भाई मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड है। चलो और बातें पढ़ते हैं इनके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है। तो देखो क्या होता है ना, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि नाम से कंफ्यूज नहीं होना, अवार्ड 2018 का है लेकिन दिया अभी जा रहा है, तो कई बार बीच बीच में गैप्स हो जाते हैं तो पुराने अवार्ड दिए जाते हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2018, मैं आपको बता दूं, जो ये संगीत नाटक अकेडमी है ये 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? न्यू दिल्ली। तो 1953 न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और भोपाल के थिएटर एक्टर टीकम जोशी साहब को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में सम्मानित किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नायडू साहब ने इनको अवार्ड दिया। अपार्ट फ्रॉम संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जोशी साहब को एक और अवार्ड मिला जो है बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है, हमने तो बस एक क्वेश्चन निकाला यहां से, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन भी हमारे बहुत काम का है। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है टीकम जोशी साहब को, साथ साथ दूसरा अवार्ड भी मिला इसी सेरेमनी में, उसका नाम है बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 2001, तो ये मैंने तब भी बताया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 2001 से ये ग्रेजुएट हुए हैं। इसके अलावा इनको कुछ समय पहले 30 मार्च को जोशी साहब को एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर बनाया गया, ये तो हमारा उस दिन का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ही। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है मध्य प्रदेश के एक और व्यक्ति को दिया गया जिनका नाम है अर्जुन सिंह ध्रुवे, तो इन दोनों को दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता था। मैंने एक क्वेश्चन बनाया टीकम जोशी का, लेकिन अर्जुन सिंह ध्रुवे साहब पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड न्यू दिल्ली में वेंकैया नायडू साहब द्वारा किन किन को दिया गया, टीकम जोशी और ध्रुवे साहब को दिया गया, जो टीकम जोशी है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड भी हैं, 2001 में एनएसडी के ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है, चलो, और इनको बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बात होगी। चलो, तो यहाँ पे अब हमने कंप्लीट किया करंट अफेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन बाकी है, हु इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मैन सहकारिता पुरुष इन मध्य प्रदेश। तो यहां पर चार ऑप्शन है, ये हमने एक स्टैटिक क्वेश्चन, अच्छा
कल मैंने आप लोगों से स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में पूछा था, तो स्टैटिक क्वेश्चन का रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा आया है ना, तो कई बच्चे और बढ़ाने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे हर चीज करेंगे। तो आप लोगों का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था स्टैटिक क्वेश्चन में, तो हम प्रयास करेंगे कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो हुई और बढ़ा भी सकते हैं भविष्य में। इसके अलावा लाइव क्लासेस की जहां तक बात है, तो लाइव क्लासेस का भी आपका मैंने कॉमेंट्स काफी बच्चों ने जो किए मैंने पढ़े, तो उनमें अधिकतर बच्चे तो बोल रहे थे कि लाइव क्लासेस ली जाए। कुछ बच्चे जो अपोज कर रहे थे कि लाइव क्लास नहीं ली जाए, तो उनके पीछे सबका लॉजिक सेम ही दिखा, वो ये था कि सर लाइव क्लास में क्लास की जो ड्यूरेशन है, जो लेंथ है, वो बिना मतलब में ज्यादा हो जाती है, जो कि सही भी है। लेकिन अगर हम लोग अपनी लाइव क्लास को सीमित जैसे अच्छे से ही चलाएं जैसे चलाते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो समस्या है ड्यूरेशन की, अगर हम लोग ड्यूरेशन को कंट्रोल कर लें, तो फिर मुझे लगता है कि लाइव क्लास में फिर उन बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो ड्यूरेशन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, फिर मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी इस पूरे ओवरऑल देखते हैं हम लोग क्या कुछ, जैसा भी होता है भविष्य में और भी बच्चों के सुझाव आ जाए। चल तो अभी हम लोग जैसा चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो कौन से व्यक्ति को कोऑपरेटिव मैन सहकारिता पुरुष मध्य प्रदेश में कहा गया? अच्छा, ध्यान से सुनना, यहां पर आपके सामने अलग-अलग नाम है। पहले मैं आपको इनका जवाब दे देता हूं। दामोदर दास पुरोहित, दामोदर दास पुरोहित को कोऑपरेटिव मैन कहा जाता है। हम सब देखेंगे, हम सारी चीजों पर देख लें। कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे को कहा जाता है लॉमैन या विधि पुरुष। क्या कहा जाता है? लॉमैन या विधि पुरुष कहा जाता है। ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? कुंजीलाल दुबे साहब हैं। इनको लॉमैन विधि पुरुष कहा जाता है। अनिल काकोड़कर साहब, ये बहुत बड़े व्यक्ति, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको साइंस मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस मैन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। क्या आप जानते हो? अच्छा, मैंने वही वाली बात लिख दी, साइंस मैन कहा जाता है इनको, है ना। विज्ञान पुरुष कहा जाता है मध्य प्रदेश का। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों मिल चुके हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, है ना, इंडिया के लेवल पर इनका बहुत बड़ा नाम है। तो अनिल काकोड़कर कौन है? साइंस मैन है, ये साइंस मैन है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। चलो, अच्छा, एक नया नाम है मिश्री लाल गंगवार। ये मालवा के गांधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मालवा के गांधी, मिश्री लाल गंगवार। तो मालवा क्षेत्र में गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन वैल्यूज पर चलने के लिए इनको ये दिया गया है नाम, मिश्री लाल गंगवाल। और दामोदर दास पुरोहित तो मैंने बता भी दिया, कोऑपरेटिव मैन सहकारिता पुरुष, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको स्थापित करने में योगदान दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा लगाती है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स पैसे लगाते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर में कई सारे लोग छोटा छोटा अपना कैपिटल मिला के एक बड़ा कैपिटल बनाते हैं, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण वो करते हैं। तो देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्राइवेट सोसाइटी का ही एक पार्ट है ना, मतलब उसका ही एक टाइप हम देख सकते हैं। लेकिन फर्क बस इतना होता है, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जबकि कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव, एक कंपनी का एग्जाम्पल है, अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोऑपरेटिव कंपनी। तो हम देखते हैं कि गुजरात की जो अमूल है, तो वहां पर बहुत सारे उसके किसानों का वहां पर पैसा लगा हुआ है, सबने छोटा छोटा अमाउंट मिलाया और ओवरऑल बड़ा कैपिटल उनके पास हो गया था। तो उनने कई साल पहले कंपनी खोल दिया अमूल, जो कि आपको मालूम है कि आज कहां पहुंच गई है। तो कहने का मतलब ये होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कई बार आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, है ना, तो एक होता है पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक में गवर्नमेंट होती है। फिर हम देखते हैं प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में आपको मालूम है कि प्राइवेट कैपिटल लगा रहता है। फिर एक होती है कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करती है? तो लोग अपना छोटा छोटा पैसा मिलाकर बैंक के लिए पूरा जो भी व्यवस्था है, बिल्डिंग बनानी है, लोगों को रखना है, वो सब करते हैं। तो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक में लोग छोटा छोटा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके एक बड़ी पूंजी बनाते हैं, जिससे कोई भी वो काम शुरू करते हैं। तो दामोदर दास पुरोहित साहब ने मध्य प्रदेश में ये काम शुरू किया, इसलिए इनको कोऑपरेटिव मैन बोलते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया कुंजीलाल दुबे लॉमैन, अनिल काकोड़कर साइंस मैन, मिश्री लाल गंगवार मालवास गांधी, दामोदर दास पुरोहित कोऑपरेटिव मैन। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दो और क्षेत्रों के गांधी हैं जिन पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने उनके भी नाम यहां लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक है बलेश्वर दयाल, ये भीलों के गांधी माने जाते हैं। कौन? बलेश्वर दयाल। तो ये नए नाम भी हो सकते हैं आप बच्चों के लिए, अक्सर बुक्स में ऐसे नाम इग्नोर कर दिए जाते हैं।
लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाते हैं और दूसरों से नहीं बनते हैं, तो बलेश्वर दयाल भील्स गांधी और झाबुआ के गांधी माने जाते हैं महेश वर्मा। तो देखो हमने तीन गांधियों की बात की। मिश्री लाल गंगवाल कौन है? मालवा के गांधी। भीलों के गांधी कौन है? तो बी से बलेश्वर, बी से भील, तो बी से बलेश्वर, बी से भील, तो बलेश्वर दयाल भील गांधी, और महेश वर्मा झाबुआ के गांधी। महेश वर्मा कौन है? ये झाबुआ के गांधी। चलो तो आज की हम लोग पूरी क्लास को जल्दी से रिवाइज करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन था, हु वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट हॉर्स राइडिंग हेल्ड इन स्पेन रिसेंटली, तो किसको अवार्ड मिला है? सुदीप्ति हजेला मैडम को अवार्ड मिला है। हमने देख लिया स्कॉच अवार्ड 2022 कौन सी संस्था को मिला है? तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन को मिला। इन्होंने जो हर्बल प्रोडक्ट्स को, जड़ी बूटियों को, जो पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस फैलाई इन प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे उनकी बिक्री बढ़ गई, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। इसके अलावा एमएफपी पार्क को भी मिला है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड जो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देंगे, जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो किनको दिया जाएगा? भोपाल और नरसिंहपुर की डिस्ट्रिक्ट पंचायत को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किन किन को दिया है? तो एक तो टीकम जोशी साहब को दिया और एक अर्जुन सिंह ध्रुवे साहब को दिया है। सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव मैन सहकारिता पुरुष किसको कह के बुलाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो दामोदर दास पुरोहित साहब को कह के बुलाया जाता है। मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे के जवाब आपके सुन के मुझे बेहद प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी मिलती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग इस बार भी इसके जवाब दोगे। इससे आपको पर्सनली आपको खुद फील हो रहा होगा कि आपका खुद का भी रिवीजन होता जाता है और लॉन्ग टाइम तक वो क्वेश्चन आपको दिमाग में स्टे करेगा, जिसका आप खुद अलग से जवाब देते हो। चलो क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया कि वो एक डैम बनवाएंगे ऑन विच रिवर इन मजगांव ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने आपको बताया था एक रिवर है, एक ऐसी रिवर है जो कि ड्राई होती जा रही है, वहां पे बिल्कुल लोगों ने कचरा वचरा डाल के इतना ज्यादा उसको चोक कर दिया है, इंडस्ट्रियल जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो भी उसमें डाले जा रहे हैं बिना ट्रीट किए, डोमेस्टिक सीवेज वाटर भी वहां जा रहा है, जिसकी वजह से उस नदी की स्थिति बहुत खराब है। और हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब ने अनाउंस किया है कि सतना डिस्ट्रिक्ट में मजगांव नाम की जगह पे एक डैम बनवाएंगे और जिससे कि पानी को डाइवर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, उस रिवर में। तो आपको उस रिवर का नाम बताना है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर अटेंड करते हो तो ये क्वेश्चन आपसे लड्डू है बन जाएगा। चलो अब हम लोग की क्लास को वाइंड अप करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा आप चैनल को शेयर करो यार, शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं कि करंटली हमारे पास एमपी पॉलिटी प्री प्लस मेंस, एमपी इकोनॉमी प्री प्लस मेंस, और हमारे पास क्या नाम है इंडियन पॉलिटी प्री प्लस मेंस और यूनिट वन पूरा प्रीलिम्स अवेलेबल है। और कोई भी आपको कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। चलो तो अब हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।